Poetry Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। हम हर रोज आपके लिए अलग अलग विषय पर अलग अलग लोगों से रूबरू आपको करवाते हैं। एक समाज की, राज्य की और हमारे देश की संपूर्ण जानकारी अलग अलग विषयों के माध्यम से हम आपके सामने रखते हैं। आज हमारा जो विषय है वो विशेष रूप से हमारे चैनल को ये डिमांड की गई थी कि हम इस विषय पर जरूर करें, क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा है, पुलिस कर्मी एक ऐसे हैं, हालांकि समाज में बहुत से लोग हैं जो पुलिस को लेकर उनकी नकारात्मक दृष्टि जरूर होती है, लेकिन पुलिस ही वो महकमा है जब भी कोई आफत आती है, जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले जो है पुलिस ही हमारे सामने आती है, हमें बचाने के लिए आती है, हमें सुरक्षा देने के लिए आती है। कोविड-19 जब से शुरू हुआ है तब से सबसे पहले पुलिस कर्मी अपने घर परिवार को छोड़कर, अपनों को छोड़कर पूरे समाज की और देश की सेवा में लगे हुए हैं। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि क्या पुलिस कर्मियों को पूरी सुरक्षा सरकार के द्वारा, हमारे जैसे जो समाज सेवी लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं उनके द्वारा उन्हें सहयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पुलिस के पूर्व अधिकारी राजेंद्र शेखावत जी, और साथ में होंगे मोहन केसवानी जी जो कि समाज सेवी हैं और अन्ना आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं, और आप लगातार देश हित पर चर्चाओं में भी और काम करने में भी आगे रहते हैं। तो राजेंद्र जी आपका और मोहन जी आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। जी सबसे पहले राजेंद्र जी, क्योंकि आप पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं और एक ईमानदारी का परचम जो है आपके नाम के साथ, आपकी पर्सनालिटी के साथ जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान जो कोविड-19 की स्थिति है और पहले दिन से पुलिस कर्मी जो है पूरे देश की सेवा में, पूरे समाज की सेवा में लगे हुए हैं, अपना परिवार छोड़कर वो हम लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर पहले उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? गोस्वामी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने इस वैश्विक महामारी के दौर में पुलिस वालों के बारे में भी सोचा, और वो ऐसे योद्धा है जो एक पर्दे के पीछे जो काम कर रहे हैं उन लोगों के बारे में सोचा, उनकी तकलीफों के बारे में सोचा, उनकी कठिनाइयों के बारे में सोचा और उनके पक्ष को जनता के सामने रखने का प्रयास किया, तो मैं इसके लिए आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। आपने एक बहुत ही बात ये जो सामने रखी है बड़ी महत्वपूर्ण है जी, कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो आप ये देखिए कि पुलिस की भूमिका इस लॉकडाउन को सफल करने में बहुत बढ़ गई है जी, और इस वैश्विक महामारी को रोकने में लॉकडाउन बहुत आवश्यक हो गया है। अब लॉकडाउन का मतलब पूरा कब हो, जब पुलिस अपनी भूमिका पूरी तरह से इसमें अपना निर्वहन करे जी। और अब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि इस निर्वहन करने के दौरान जो जोखिम है जी, वो बहुत ज्यादा जोखिम है। हालांकि पुलिस की नौकरी है उसमें, चाहे अर्धसैनिक बलों की हो, सेना की नौकरी हो, उसमें जोखिम हमेशा रहता है जी, परंतु इस बार जोखिम दूसरी तरह का है, इस बार चुनौती दूसरी तरह की है कि आप ये देखिए कि अगर कहीं आप लोगों को समझा रहे हैं तो लोगों को रोक रहे हैं, लॉकडाउन की पालना करा रहे हैं, कर्फ्यू की पालना करा रहे हैं लोगों को, उनके हित में, उनके जीवन की रक्षा के लिए उनको बाहर आने से रोक रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन जो हो रहा है और उस इंटरेक्शन के दौरान एक संक्रमण फैलने का भी लगातार खतरा है। पर हमने, चूंकि हमारा देश कभी इस तरह की बीमारी के बारे में पहले कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, ना कभी पुलिस महकमे ने इस तरह की कोई आपदा के बारे में या प्राकृतिक प्रकोप के बारे में सोचा था, तो इस तरह की कोई बचाव के साधन भी पुलिस के पास नहीं है, न आज है न पहले थे, तो ऐसी स्थिति के अंदर ड्यूटी देना एक और भी मुश्किल काम है। और इसी का परिणाम आप देखिए कि जयपुर में, रामगंज में और माणक चौक थाने में जो वहाँ के कर्मचारी थे वो भी संक्रमित हो गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं वो, उनके पास पीपीई किट भी होते हैं, मास्क भी होते हैं, उनके पास और भी सैनिटाइजर भी होते हैं, उनके पास में इस तरह के जो सर्जिकल और भी जो सर्जरी करने का जो एक
ऑपरेशन थिएटर होता है, वो भी पूरी तरह से सैनिटाइज होता है, परंतु आप ये देखिए वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो बाहर क्या स्थिति होगी ये हमारे समझने की बात है। चूंकि पुलिस का जाप्ता बहुत कम है, आपको पहले से पता है कि 25% जाप्ता पूरे राजस्थान के हर थाने में कम है। उसके बाद अब नौकरियां चौगुनी हो गई, जहां आदमी 6 घंटे की 8 घंटे की नौकरी करता था, अब उसको 24 घंटे की नौकरी करनी पड़ रही है, परिवार से दूर रहना पड़ रहा है, घर का खाना। क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहाँ पर मैं मोहन केसवानी जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री को, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपने एक पत्र भी लिखा था कि उसमें आपने पुलिस को लेकर काफी चिंता जताई थी कि चाहे उन्हें सैनिटाइजर दे दें, मास्क दे दें, लेकिन उनकी टेस्टिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। तो आपने प्रधानमंत्री को, सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आपने पत्र लिखा है, तो आपने उस पत्र में मुख्य रूप से क्या चीजें ली हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहली ये बात है कि आज जो फ्रंट लाइन पे जो हमारा वॉरियर खड़ा है जी, वो एक पुलिसकर्मी है। सबसे आगे जो खड़ा है वो एक पुलिसकर्मी है। और सबसे बहुत बड़ी दुखद बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पे, आज पूरे देश के सामने रखना चाहता हूं कि मैं कई पुलिस अफसरों से मिला हूं और एक चीज मुझे मालूम पड़ी है कि किसी भी एक अफसर का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। दिस इज अ वेरी सैड सीन। आज एक पुलिस वाला मेरा मित्र है, बड़ा अधिकारी है, मित्र है मेरा, मेरे पास घर पे आए थे वो मिलने के लिए 4-5 दिन पहले, कोई काम से आए थे इधर। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया घर में सब ठीक है, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। मतलब इतना दुखद मेरे को वो फील हुआ, बोले भाई साहब मेरा बच्चा जो है मेरे से 10 फुट दूर खड़ा है, मैं उसे गले नहीं लगा सकता। ये कहते कहते वो रोने लग गए, बोले बच्चा तड़पता है कि पापा गोद में ले लो मेरे को, लेकिन मैं उसको अपने पास में नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि मेरे को खुद को मालूम नहीं है कि मैं कहीं कैरियर तो नहीं हूं कोरोना का। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत आपका शुक्रिया करना चाहता हूं दीपक जी कि आपने इस मुद्दे को यहां पे उठाया। सारे मुख्यमंत्रियों को, प्रधानमंत्री तक को मैं एक जो है निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले जो फ्रंटलाइन वॉरियर हमारा है, जो आज पुलिसकर्मी जो सड़कों के ऊपर जो इंटरेक्ट कर रहा है इन कोरोना पेशेंट्स से डायरेक्टली, सबसे पहले इनके टेस्ट होने चाहिए। आज 14-14, 15-15 दिन, 20-20 दिन तक इसका कहते हैं कि पता नहीं पड़ता है कि भाई वो आदमी कैरियर है कि नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स बहुत लेट क्रिएट होते हैं इसमें। आज अगर एक पुलिसकर्मी अगर सैकड़ों लोगों से रस्ते पे मिल रहा है, उनको जो है उनकी काउंसलिंग भी कर रहा है कि उसको जो है आइसोलेशन में रहना है, घर में रहना है, क्वारंटाइन करना है अपने आप को, इतने लोगों से इंटरेक्ट करता है, सारी चीजों को मैनेज करके सड़कों पर बैठा है जी। तो वो तो सबसे ज्यादा तो एक्सपोज्ड वो है। अगर आप उसी का टेस्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी इस चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर के माध्यम से सारे बड़े अधिकारियों को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वो प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से जहां तक वो पहुंच सकते हैं वहां पे बात करें कि अपने जो ये जवान एक सवाल आपसे, मोहन जी आपसे एक सवाल और भी है मेरा, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हैं, उनके भी एक वरिष्ठ नेता हैं आप, तो दिल्ली में अभी तक ये काम सरकार ने शुरू क्यों नहीं किया है? क्या आपको नहीं लगता कि दिल्ली में अभी तक शुरू होना चाहिए था पुलिस की टेस्टिंग का? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत एक वैलिड क्वेश्चन उठाया है और मैंने अरविंद केजरीवाल जी को इस जो है इसी टाइप का एक लेटर एक लिखा है कि तुरंत प्रभाव से इसके ऊपर एक कोई ऐसा कोई एक सिस्टम क्रिएट किया जाए कि इन पुलिस ऑफिसर्स को जो है, जो खास करके जो जवान फ्रंट लाइन पे है, जो सड़कों पे निकला हुआ है जी, चाहे रेंडमली करें लेकिन कुछ तो होना चाहिए। उन्होंने, मैंने उनको जो है पत्र लिखा है और मेरे को पूरा विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है बहुत डायनेमिक जो है वो मुख्यमंत्री हैं और जरूर इसके ऊपर उसका चीज का संज्ञान लेंगे वो। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि चाहे आपको जी, जो है यहाँ पे मैं वापस आपके पास वापस आऊंगा मोहन जी आपके पास। मैं पहले राजेंद्र जी से यही सवाल करना चाहूंगा कि राजेंद्र जी, क्या आपको लगता नहीं है कि राजस्थान में जो लगातार 18-18 घंटे 16-16 घंटे पूरा समय जो है पुलिस के अधिकारी दे रहे हैं, पुलिस के जवान दे रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल से लेकर उच्च अधिकारी भी क्यों ना हो, लगातार वो देश की और समाज की सेवा में लगे हुए हैं, तो क्या सरकार उनकी तरफ ये ध्यान नहीं दे रही कि उनके संक्रमण को रोकने के लिए अलग ही सैनिटाइजर दे दिए गए हैं, मास्क दे दिए गए, तो क्या ये सफिशियंट है पूरे? नहीं गोस्वामी जी, वो बात सही है, सफिशियंट तो नहीं है जी, पर अब ये इमरजेंसी है,
ये संकट काल है। लेकिन क्या उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पे पूरा सरकार का फोकस होना चाहिए। टेस्टिंग तो दरअसल में क्या हो रहा है कि अभी जनता की नहीं हो पा रही। अब वो अगर 70,000 लोग हैं, अगर अपन 70,000 का पुलिस का महकमा है, 70-80,000 का, अगर उनकी कर लेंगे तो फिर जनता कहेगी भाई हमारी कौन करेगा, इनके पास पे किट ही नहीं है इतनी। लेकिन जब जो ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार सबसे पहले किटों की व्यवस्था करे। जी मैं ये जो भी टेस्ट किट है ये अभी बीच में आए भी थे पर उसमें किसी प्रकार की त्रुटियां निकल गई, तो वो सारे के सारे जो थे वो रैपिड टेस्ट किट थे वो सारे खराब हो गए। अब ये कोई रैपिड टेस्ट किट वगैरह जब आए, जब इन पुलिस वालों के होंगे, अभी तो हमारे जो जनता के जो सामने आ रहे हैं, जिस तरह के पेशेंट हैं जो कई सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं, उनके ही नहीं हो पा रहे हैं, अभी हमारे पास इतने किट ही नहीं है। लेकिन राजेंद्र जी, बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी पुलिस कर्मी है जो बिल्कुल वहां मोर्चे पे जा रहे हैं, जैसे स्पेसिफिकली हमारा हॉटस्पॉट रामगंज है, हमारा हॉटस्पॉट है भट्टा बस्ती है, हमारा हॉटस्पॉट मोती डूंगरी का एरिया है, हमारा हॉटस्पॉट ये जो आपका खरबूजा मंडी का एरिया है, यहाँ पे जो भी जा रहे हैं कम से कम उनकी अगर 2-3 दिन भी वो गए हैं तो निश्चित रूप से उनका टेस्ट होना चाहिए। जैसा आप देखिए माणक चौक में रामगंज में किए थे टेस्ट, ऐसा भी नहीं हुए, माणक चौक में भी हुआ है रामगंज में भी हुआ है, उनके कोई लक्षण नहीं थे। जो हेड कांस्टेबल थे माणक चौक के और रामगंज के जो सिपाही थे उनके लक्षण नहीं थे किसी भी तरह के, वो पुलिस की जो रैंडम चेकिंग की गई थी उसी में उनके टेस्ट हुए थे और उसमें उनके पॉजिटिव पाए और वो बाद में उनकी इम्यूनिटी के कारण से ठीक भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए, सारे पुलिस वाले उनके परिवार वाले भी नेगेटिव हो गए। तो ये एक व्यवस्था, जैसे मोहन जी ने भी कहा है, अच्छी बात है, होए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो लोग है जो वास्तव में जनता के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, संक्रमित लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। राजेंद्र जी मेरा बस यही एक बड़ा सवाल है कि अगर मान लीजिए भगवान नहीं करे अगर हमारे अधिकांश पुलिसकर्मी अगर संक्रमित से पीड़ित हो जाते हैं तो हमारे समाज की, हमारे शहर की, हमारे राज्य की, हमारे देश की सेवा के लिए कौन आगे आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बहुत आपका वाजिब सवाल है, वाजिब सोच है, वाजिब विचार है कि अगर मान लो इन लोगों के साथ में इस तरह के संख्या बढ़ जाएगी, इनके साथ अगर इसके संक्रमण की, तो इनका मनोबल गिरेगा और जो आज एक जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं उनको ये लगेगा, डर लगेगा, भय लगेगा, उनके परिवार वालों को लगेगा और उनको खुद को भी लगेगा निश्चित रूप से। हर आदमी, आप ये देखिए क्या स्थिति हुई है इस वैश्विक महामारी के आगे कि अपनों को किस तरह से अलविदा कह रहे हैं, कि जो अपने इतने अजीज होते थे, अपने दिल के करीब होते थे, उनको किस तरह से लोग ले जाके उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं और हम उनके नजदीक भी नहीं जा पा रहे। ऐसी स्थिति के अंदर कैसे ये लोग अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं, कैसे इस युद्ध उसमें मोर्चे पे जा रहे हैं, तो ये तो युद्ध के मोर्चे से भी ज्यादा मैं इसको गंभीर मानता हूँ। कारण क्या कि युद्ध के मोर्चे पे तो गोली आएगी उसमें पता लगेगा, यहाँ गोली का कोई पता नहीं है। यहाँ तो आप कब कहाँ किससे कब मिले, कहाँ बैठे, किस कुर्सी पे बैठ गए आप, वहां पे आप किस घर के अंदर गए, किसके दरवाजे को नोक किया, और वहां पे अगर कोई वायरस था और वो वायरस आपके कैरियर बन गए आप उसके, तो पूरा परिवार है वो भी, उसको पुलिस के परिवार को भी, पुलिस को भी, समाज को भी, सबको संक्रमित कर सकता है। तो ये तो आप ये निश्चित रूप से बहुत ही, मैं कहता हूँ, अति महत्वपूर्ण मोर्चे पे इनका संघर्ष जारी है। उस स्थिति में समाज को इनकी हेल्प करनी चाहिए, सरकार को इनकी हेल्प करनी चाहिए। अब ये सवाल ये है कि इसमें हेल्प कैसे हो, वो किट से ही हो सकती है, इनके मेडिकल फैसिलिटीज से हो सकती है, फूड फैसिलिटीज से हो सकती है, इनको समय पे खाना मिल जाए, इनके लिए बाहर से कोई अर्धसैनिक बलों का अगर यूज लिया जा सकता है तो उनका लेना चाहिए, ताकि इनको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। इनको ड्यूटियाँ हैं इनकी छोटी छोटे टुकड़ों में होनी चाहिए, 6-6 घंटे के टुकड़ों में होनी चाहिए, क्योंकि घर तो ये जा नहीं पा रहे, घर जा भी रहे तो अपने परिवार के लोगों से मिल नहीं पा रहे, क्योंकि उनको दूरी बना के रखना, बहुत सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है वो उनको खुद को अडॉप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है, उनको इस बात की जानकारी है कि हम हमारे परिवार वालों से मिले और हम उसको बच्चों के अंदर संक्रमित कर देंगे। तो आप लोग घरों में भी जा रहे हैं तो वो खाना बिल्कुल ऐसे दूर रख रहे हैं और दूर ही वो खाना खा के
और फिर वापस अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका एक शिफ्ट का थोड़ा समय ऐसा मिले ताकि वो आराम भी करें। और इसमें बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ, इम्यूनिटी को जो डेवलप करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रेस्ट का भी है, तो अगर इनका रेस्ट ठीक रहेगा तो इनकी जी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। इनको अच्छा खाना मिले, स्प्राउट्स मिले, नाश्ता मिले, इस तरह के और भी जो सरकार के जो आरोग्य विभाग ने जो निकाले हैं, वो जी आयुष विभाग ने जो भी, उनको वो सब चीज़ें मिले ताकि वो काढ़ा भी पिए, उनको जिस तरह के जो इम्यूनिटी बढ़ाने के जो आपके हैं, जिंक है, आयरन है, फ्रूट्स है, इसके जी अलावा और जो भी नींबू वगैरह है उनको मिलता रहे, तो उनकी इम्यूनिटी थोड़ी मजबूत रहेगी, तो उनके अंदर एक जोश रहेगा, मनोबल बढ़ा हुआ रहेगा, और उस स्थिति के अंदर वो एक विश्वास से अपनी ड्यूटी दे पाएंगे। और निश्चित अभी तौर पर अगर हम उनकी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, हम हमारे सिटी लाइव न्यूज के माध्यम से ये सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे, ये समाज से भी, संगठनों से भी दरख्वास्त करेंगे कि जो समाज में सबसे आगे पुलिस कर्मी हैं, जो हमारी सेवा में लगे हुए हैं, हमें उनकी और विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए उनका भी, और उनको जितनी सुविधाएं हो, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे वो समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से हो, लगातार हमें उनके लिए उपलब्ध करवानी चाहिए। यहाँ पर केशवानी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्योंकि लगातार पूरे राजस्थान में और दिल्ली में कई जगह हमारे जो संवाददाता हैं, उन्होंने भी पुलिस के जो कार्यालय हैं, जो पुलिस थाने हैं, उनका भी जाकर वहां सर्वे किया, लेकिन वहां पर भी जो सुविधाओं का अभाव देखा गया वहां पर, क्योंकि 24 घंटे पुलिसकर्मी कांस्टेबल जो है वो नौकरी कर रहे हैं, वहां पर जो बाथरूम की सुविधाएं हैं वो भी साफ सफाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहां कर्मचारी नहीं जा पा रहे हैं साफ सफाई करने वाले, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आप क्योंकि खुद पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हैं, आप समाज सेवी संस्थान से भी, आप खुद अपना संस्थान भी चलाते हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति में क्या देखते हैं? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल विल वाली बात है कि सरकार क्या सोचती है। सरकार सोचती है कि जनता को जो है हमें संभालना है, तो क्या ये पुलिस कर्मी जो है जनता नहीं है क्या? आप एक चीज सोचिए ना कि जो फ्रंट लाइन पे आदमी काम कर रहा है, प्रायोरिटी पे तो वो होना चाहिए। और चाहे जी अगर जैसे राजेंद्र शेखावत जी ने कहा कि भाई अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है कि 70,000 पुलिस कर्मियों का टेस्ट किया जाए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ सरकारों से कि भाई एक रेंडमली कर लीजिए। ऑन एन एवरेज जब राजस्थान के अंदर मैं समझता हूँ 750-800 थाने होंगे, और 30-40 आदमी अगर एक जगह पे हैं, अगर तो 5-7 जनों का एक रैंडम एक टेस्ट कर लिया जाए, कम से कम थोड़ी स्थिति का से अवगत तो हो सरकार के, भाई हमारे जो फोर्सेस हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं उनके अंदर से स्थिति क्या है। क्योंकि आए दिन, और एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, सरहद के ऊपर हमारा जब जवान लड़ता है, जब दुश्मन की तोप के सामने खड़ा होकर जब वो सीना तान के खड़ा होता है, तो उसके चेहरे पे जो आप जुनून देखते हैं, आज हमारे पुलिस कर्मी को रामगंज के बाहर खड़ा हुआ वही जुनून आप उसके चेहरे पे देख सकते हैं। बहुत दुख की बात है, मैं चैनलों से भी नाराज हूं इस बात को लेके। रोज कहते हैं कि तीन आज पुलिस कर्मी मर गए, आज दो आदमी जो है उनका देहांत हो गया। एक भी चैनल ने या एक भी नेता ने ये आकर नहीं कहा चैनल पे किसी पे कि आज हमारा पुलिस कर्मी शहीद हो गया। मैं आपके चैनल से माध्यम से जो है ये मांग करना चाहता हूं सरकारों से कि जो पुलिस कर्मी आज अपनी जान खो देता है, आज अगर ये कोरोना वॉरियर ये उसको बता रहे हैं, अगर वो फ्रंट पे खड़ा होके अगर सेवा दे रहा है देश के लिए और अगर उसका देहांत हो जाता है, तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। जो डॉक्टर जो इन कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए अगर जान से हाथ जाता है धो बैठता है, उसको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। वो जो सफाई कर्मी है, जो नर्सिंग स्टाफ है, जितने भी ये लोग जो देश की इस लड़ाई में सीना तान के खड़े हैं सामने, इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ऑन ड्यूटी जो भी पुलिस कर्मी शहीद होता है, मतलब जो है अपनी जान दे देता है, उसको शहीद का दर्जा देती है। मैं केजरीवाल जी से भी एक विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी अपने ध्यान में रखें कि जो डॉक्टर है, जो सफाई कर्मी है, जो व्यक्ति कोरोना की फाइट में लगा हुआ है, चाहे पत्रकार भी है वो, उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, मेरा आपसे यहाँ पर यही एक सवाल है, क्योंकि आप पुलिस महकमे से लगातार जुड़े रहे हैं, आप आज भी पुलिस के ऐसे कई संगठन, ऐसी कई संस्थाएं जिनमें आप सदस्य के रूप में भी काम कर रहे हैं, और एक एक्सपर्ट के रूप में भी आपको पुलिस में बुलाया जाता है, तो यहाँ पर हमारे जो संवाददाताओं ने अलग अलग जगह जाके देखा तो कई पुलिस थाने हैं वहां पर भी साफ सफाई जो है पूरी तरीके से नहीं है, उनके जो बाथरूम है वहां पर भी सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को क्या करना चाहिए, क्या
पुलिस के जो कमिश्नर हैं, जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने सरकार से इस बारे में कोई बात की है? क्योंकि देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जो पुलिस का छोटा कांस्टेबल होता है वो अपने उच्च अधिकारी के सामने अपनी बात भी नहीं रख सकता है। तो क्या आप जैसे अधिकारी इस तरह की बातों को आगे लेकर आएंगे ताकि उनकी सुरक्षा बढ़े, उनका मनोबल बढ़े और उनके परिवार वाले भी एक शांति से अपने घर पे रहें, ताकि कि उनके परिवार के जो पति हैं, जो भाई हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो सुरक्षित रहें? हाँ दीपक जी, आपकी जो बात है वो बहुत सही है कि पुलिस का महकमा अनुशासित महकमा है जी। पुलिस का कोई अपना संगठन नहीं है, पुलिस की कोई अपनी आवाज नहीं है। बिल्कुल, पुलिस में तो जो ऊपर से आदेश आता है उसकी पालना करना, इसीलिए सर सिटी लाइव उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा है, सिटी लाइव न्यूज उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए तो आप उनकी आवाज बन रहे हो, एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकते हैं, वो तो कोई उनकी कोई मांग ही नहीं हो सकती है। हालांकि अधिकारी लोग हैं वो इस तरह की बातों को गहराई से पता करते रहते हैं, परंतु मेरा जैसा पुलिस का अनुभव है, पुलिस में ज्यादा क्या होती है, जो चुनौती होती है सबका ध्यान रहता है, पर जो उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है वो उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। पर ये जो आपके जो पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरह की व्यवस्था है, साफ है, सफाई है, खाने की क्या व्यवस्था है, दवाइयों की क्या व्यवस्था है, परिवार के लोग किस संकट में के दौर में गुजर रहे हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, किस तरह से उनको राशन पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब बातें भी बड़ी महत्वपूर्ण है जो एक पुलिस के कर्मचारी का, जो कि फ्रंट लाइन पे फ्रंटियर के रूप में वहां लड़ रहा है, तो उसके मनोबल को बढ़ाने में सहायक होती है। वो निश्चिंतता आती है उसके पीछे, उसको ये लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी से वापस जब पुलिस स्टेशन पे आया हूँ या अपने कहीं पे भी जहाँ वो रुका हुआ है वहाँ आया हूँ, तो उसको एक निश्चिंतता का आभास होता है कि नहीं, मेरे साथ कोई संगठन खड़ा है, मेरे साथ सरकार खड़ी है, मेरे साथ समाज खड़ा है, मेरे साथ देश खड़ा है और मेरी भी चिंता कर रहे हैं। मैं देश की चिंता कर रहा हूँ, समाज की चिंता कर रहा हूँ, तो मेरी भी देश चिंता कर रहा है जी। और मेरी भी समाज चिंता कर रहा है। ये जो भाव उसके अंदर पैदा होगा तो उससे उसका मनोबल मजबूत होगा और वो इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेगा और मनोबल से लड़ेगा और उसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। अब अगर वो खुद ही भयभीत होगा और उसके मन के अंदर कई शंकाएं होगी, कई विचार होंगे, तो उस लड़ाई के अंदर उसकी वास्तव में जो एक उसका मनोबल है वो टूटा हुआ रहेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को, बड़े अफसर हैं, उनको कम से कम उनके खाने पीने के लिए, उनका जहाँ विश्राम करने की स्थिति है वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था हो, जिन वाहनों में वो जा रहे हैं उनको सैनिटाइज करने की व्यवस्था हो, जो कर्मचारी जा रहे हैं उनको सैनिटाइजर मिले, मास्क नए मिले, क्योंकि वो एक ही मास्क है उसको बार बार लगाए जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी खतरे की बात है, नया मास्क मिले। पर अभी दिक्कत ये खड़ी हो रही है कि आप सर्जरी कर रहे हैं, डॉक्टर्स के पास ही मास्क नहीं है, पुलिस वालों के पास मास्क कैसे आए? तो वो तो रुमाल लगा के या कोई प्राइवेट मास्क ला के उन्होंने अपने मुंह पे लगा रखे। तो एक बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे यहाँ, व्यवस्था नहीं, बहुत ही दुखद, अब इसको मानना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत एक दुखद परिस्थिति बनी हुई है, दुखद परिस्थिति बनी हुई है। अब हमारे देश में जब ऐसी हालात है, हमारी पॉपुलेशन है, हमारी व्यवस्था है, जैसी भी व्यवस्थाएं रही है समाज में, जैसी राजनीतिक व्यवस्थाएं रही है, आज तक कितने मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आए, परंतु कभी किसी ने इस बारे में विचार नहीं किया कि हमारे कितने आईसीयू होने चाहिए, कितने हमारे वेंटिलेटर होने चाहिए। लेकिन अब विचार करना मजबूरी है हमारी, अब विचार करना पड़ेगा। अब तो मजबूरी में कर रहे हैं हम जो भी कर रहे हैं, और ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई पुलिस को भी हम साथ रखेंगे तो उनके लिए भी हमारे को इस तरह का कंटिजेंसी प्लान है वो बना के रखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या किस तरह की व्यवस्था उनके साथ होनी चाहिए, अब उनके साथ खाने पीने की व्यवस्था हो, उनके साथ में रिफ्रेशमेंट हो, उनको कभी कभी ऐसा लगे कि यार एक 12 घंटे की नौकरी में बीच में उनको कोई रिफ्रेशमेंट मिले, खाना मिले और उनके साथ में ऐसा उनको महसूस हो कि हम एक समाज के लिए काम कर रहे हैं तो समाज हमारे बारे में बहुत ध्यान दे रहा है, ये उनके मन में भाव आना चाहिए। तो मैं तो मोहन जी से, चूंकि ये खुद भी बहुत अच्छे सेवाभावी व्यक्ति है, इनके बारे में कई बार सुना है कि ये गरीबों के साथ ऐसे जो लोग जरूरतमंद है उनकी सेवा करते रहते हैं, तो मेरा तो आपसे भी आग्रह है कि कोई इस तरह का आप लो कि कम से कम पुलिस वालों को 10-10 मास्क है, वो आप किसी संगठन के मार्फत से, एको भाई हर पुलिस वाले को तो आप 7 लाख मास्क है वो पुलिस विभाग को ही डोनेट कराओ। मैं कहता हूँ आपके लिए सबसे बड़ा एक उद्धार का काम होगा समाज के लिए, छोटी सी केक ये करो आप कि 7 लाख मास्क है वो आप डीजी को दो, पैसे वैसे का कोई मतलब नहीं है,
पैसे पता नहीं कितने लोगों ने दे दिए, क्या दे दिए, पर वो कहाँ है क्या है उसके बारे में नहीं नहीं ये इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, हाथ से जो करिए वही ठीक है। हाँ तो 7 लाख मास्क कहिए दो के साहब हर पुलिस वाले को दे आप 10-10 मास्क दे दे, 70,000 का आपका स्ट्रेंथ है टोटल, तो वो तो ड्राइवर है बेचारा, वो भी नौकरी पे, उसको भी लगाना जरूरी है, तो कम से कम वो इस तरह के मास्क होंगे, वो एक 10 दिन की ड्यूटी के लिए तो उसको 10 मास्क तो मिले कम से कम। सही बात, बिल्कुल। हम हमारे चैनल के माध्यम से भी जो इस समय देख रहे हैं, हमें हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनसे भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि वो पुलिस के लिए 2 कदम आगे बढ़कर आए, और चाहे मास्क हो चाहे दूसरी सैनिटाइजर हो, इन सब की व्यवस्था जो है वो करें। हम हमारे इस चैनल के माध्यम से उन्हें निवेदन करना चाहेंगे। मोहन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक फाइनल वर्ड्स कुछ कहना चाहता हूं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो पब्लिक है सड़कों पे घूम रहे हैं, आइसोलेशन को छोड़ के बाहर धक्के खा रहे हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जो पुलिस कर्मी कई शिकायत करते हैं कि आगे डंडा मार दिया, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप उस पुलिस कर्मी की एक मनोस्थिति को सोचिए। वो अपने बच्चों से दूर धक्के खा रहा है सड़कों पे, उसको खुद को पता नहीं है कि वो कहीं खुद भी एक कैरियर तो नहीं है कोरोना का, और आप उसके मानसिकता को जो है उसको उस लेवल पे अगर ले जाएंगे तो लाजमी है कि वो कहीं तो गुस्सा खाएगा, वो भी एक इंसान है। तो जनता से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप घरों में रहें, क्यों मजबूर करते हैं पुलिस को जो है अपना काम करने दें, वो आपको आपकी रक्षा करने के लिए है, उस चीज को सोचिए आप। वो आपको डंडे बरसाने के लिए नहीं सड़कों पे उतरे हैं, आपकी रक्षा करने के लिए उतरे हैं। तो लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है पूरा अपने आप को घरों में रखें। और दूसरी एक चीज और फिर एक बार मैं जो है सरकारों से आपके निवेदन करना चाहता हूं कि रैंडमली सबसे पहले पुलिस कर्मियों के, डॉक्टरों के, जो बेचारे सफाई कर्मी हैं, इनके जो है कुछ रैंडम टेस्ट ही करवा ले ताकि इनका मनोबल ना टूटे, क्योंकि अगर इनका इस फ्रेटर्निटी का अगर मनोबल टूट गया तो इस देश को बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। बस कितना सा पुलिस वालों का इसको डॉक्टरों का जो मनोबल है वो बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए, उस मनोबल को आप और हम सबको बनाकर रखना चाहिएगा। यहाँ पर एक राजेंद्र जी आपसे और सवाल करना चाहूंगा कि हम लगातार ये देख रहे हैं, खबरों के माध्यम से भी देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि जो पुलिस के लोग हैं चाहे डॉक्टर हैं, वो जो मरीजों की रक्षा कर रहे हैं, जो पुलिस जो है जिन्हें घरों में रहने के लिए बार बार निवेदन कर रही है, लाउड स्पीकर लगा लगा कि उनको चीख चीख कर ये पुलिस कह रही है कि घरों पर रहिए, उसके बावजूद बहुत सी जगह हमने देखा पुलिस के ऊपर पथराव भी हुआ, डॉक्टरों के ऊपर भी गलत व्यवहार हुआ, तो इन सारी चीजों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि कड़े से कड़ा कानून बनकर, कड़े से कड़ा कानून इनको सजा दी जाए और ऐसी धाराएं लगाई जाए कि जिसने पुलिस के ऊपर पत्थर फेंका या पुलिस के तरफ गलत व्यवहार किया या डॉक्टरों के साथ गलत व्यवहार किया तो उनके साथ कड़ी से कड़ा कानून बनकर, यहाँ पर भी क्योंकि बहुत सी बार देखा है कि जो राजनीतिक कारणों से धाराएं जो है कमजोर कर दी जाती हैं, तो आपको क्या लगता है राजेंद्र? देखो गोस्वामी साहब ये बात बिल्कुल सही है कि पुलिस की भूमिका वो कौन सा दल सत्ता में है उसके हिसाब से होती है, आप भी जानते हैं इस बात को और हम सब जानते हैं, सारा समाज जानता है, सब जानता है कि जो जिस तरह का सरकारों का रुख होता है पुलिस को, पुलिस के अधिकारियों को उसी हिसाब से काम करना पड़ता है, इसकी कोई एक स्पेसिफिक लाइन नहीं है। अब आप देखिए यूपी के अंदर कोई पुलिस वालों पर हमला करता है तो उन पर NSA लग जाता है, पर राजस्थान में अगर कर दे तो वहां नहीं लगता है, तो ये अलग अलग इश्यूज है। अब इनको किस तरह से लिया जाए, देखो पुलिस वालों पे अगर कोई हमले कर रहे हैं तो उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि जो लोग अपना जीवन अपने परिवार को छोड़ के अपने जीवन को दांव पे लगा के और समाज में इस तरह से एक योद्धा की भांति काम काज कर रहे हैं और उनको हम है जो इस तरह से मारपीट कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उनके साथ उनकी हत्या करने की प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूं कि कड़े से कड़े कानून है, धारा जो भी हो वो लगानी चाहिए और जुडिशरी को भी इसमें मदद करनी चाहिए, कम से कम ऐसे मामलों में जमानत नहीं ले, 2-4-6 महीने आदमी अगर जेल में चला जाता है रहता है तो उसकी आधी तबीयत वैसे ही ठीक हो जाती है, और उसको एक आधा आदमी को 6-7 महीने अगर जेल में रहता है और ऐसे केसेज में रहता है तो फिर उसके आसपास के समाज के सब लोगों को भी अकल आ जाती है, फिर आइंदा भविष्य में नहीं करता है। परंतु होता क्या है कि हमारे यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप इतना होता है कि पुलिस पिट जाती है, उसके बाद केस दर्ज होता है और उसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है। राजनीति होती है वो अपने और परायों की होती है,
एक पार्टी कहती है हमारे अपने हैं, दूसरी पार्टी कहती है हमारे अपने नहीं है, तो वो दोनों अपने अपने जैसी सहूलियत होती है उनकी, उसी हिसाब से उनकी भूमिकाएं हो जाती है। और उस हस्तक्षेप के का परिणाम क्या होता है कि जो पुलिस का काम काज होता है वो कमजोर हो जाता है, पुलिस का केस कमजोर हो जाता है, और जो अपराधी है उनका मनोबल फिर से मजबूत हो जाता है। उनको ये लगता है कि अरे भाई कुछ नहीं होगा, हमारे पीछे लोग हैं और वो हमारी किसी भी तरह से हमें बचा देंगे। ये जो भाव है ये निकलना होगा, और सरकारों को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि पुलिस की भूमिका अगर उनको मजबूत रखनी है, उनका मनोबल मजबूत रखना है, तो पीछे के अधिकारी हैं, पीछे के राजनेता हैं, सरकारें हैं, उनको भी अपना मनोबल मजबूत रख के और ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब पुलिस वाले और मुस्तैदी से और चुस्त तरीके से काम करेंगे, उनका मन ये लगेगा कि नहीं हमारे साथ सरकार खड़ी है, हमारे किसी भी एक्शन के साथ सरकार खड़ी है, और उसमें कई राजनीतिक दखलंदाजी, किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप है उसकी गुंजाइश नहीं है, तो उसका कामकाज करने में और भी मजबूती आती है। अभी उसका मन टूटा जरूर है, कई जगह देखते हैं देश के विभिन्न भागों में, कई जगह पुलिस के ऊपर हमले हुए हैं, पुलिस के कर्मचारियों पे हमले हुए हैं, डॉक्टरों पे भी हमले हुए। हालांकि अभी 2 दिन पहले सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एक अध्यादेश जारी किया, उसके अंदर डॉक्टरों के ऊपर, मेडिकल कर्मियों के ऊपर, स्वास्थ्य कर्मियों पे, आपके जो इनकी नर्सेज वगैरह के ऊपर या दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर हमला करने वालों के लिए, उसमें आशा कर्मी भी शामिल थे और पुलिस कर्मियों को भी उसमें शामिल करना चाहिए था, पर वो नहीं कर पाए। पर वो ये मान के नहीं किए कि भाई पुलिस के लिए तो ऑलरेडी खुद ही पुलिस दूसरों को न्याय देती है, उनके पास खुद के पास धारा 332 353 है, सरकारी मुलाजिमों के ऊपर हमला करने के प्रोविजन है उनके पास में, आपदा प्रबंधन अधिनियम भी है उनके पास, उनके पास में कई तरह के प्रावधान हैं। अगर वो उन सब प्रावधानों का उपयोग करे तो मैं नहीं समझता कि ये जो पुलिस के ऊपर हमले हैं नहीं रुके। आप अगर एक बार कड़ी कार्रवाई करें, सख्ती से कार्रवाई करें, न्यायपालिका को कन्विंस करें, न्यायपालिका भी इस बारे में मजबूती के साथ खड़ी हो, तो समाज के दुश्मन ऐसे खड़े नहीं हो सकते, फिर मैदान छोड़ निश्चित हो और उनका मैदान छोड़ना है उनका। मैं कुछ कहना चाहूंगा दीपक जी, राजेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा मैं। आज आप एक उदाहरण देखिए, जम्मू कश्मीर में जब पत्थरबाज निकलता है उसे आतंकवादी की तरह देखा जाता है। आज अगर पुलिस कर्मी या सफाई कर्मी के ऊपर पत्थरबाजी होती है और जानलेवा हमले होते हैं तो क्यों ना इन पे जो है राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगते हैं, क्यों ना इनको भी आतंकवादियों की तरह देखा जाता है। मेरी ये पुरजोर मांग है, बिल्कुल बिल्कुल, उनको भी उसी नजर से देखना चाहिए। अगर कश्मीर के ऊपर एक सैनिक के ऊपर अगर पत्थरबाजी होती है तो सामने पत्थर फेंकने वाले को एक आतंकवादी के रूप में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता, उसके ऊपर जो है राष्ट्रवाद के मुकदमे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। उसी प्रकार का कानून जो है स्वास्थ्य कर्मियों पे, पुलिस कर्मियों पे, जो फ्रंट लाइन पे बेचारे अपनी जान को जोखिम में डाल के खड़े हैं, उनके ऊपर अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को जो है बिल्कुल एक आतंकवादियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। निश्चित तौर पर हम हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को, समाज सेवी संगठनों को और दूसरे जो लोग हैं जो समाज सेवा में आगे हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो सभी राजनीतिकरण से ऊपर उठें, समाज और देश के लिए आगे आएं, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे डॉक्टर्स हों, या पत्रकार हों, या जो भी इस महासंकट के दौरान आपको, हमको, सबको सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। और एक बार फिर मैं लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि हम सबको मिलजुल कर इस कोरोना को हराना है, इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। राजेंद्र जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, मोहन जी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, आपने इस बात को उठाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.